नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुख्यमंत्री द्वारा 15,000 करोड़ की योजनाओं की तोहफा देने की, लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय के नीतीश कुमार के साथ आने की, तेजस्वी यादव से नाराज जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़ने की, साथ ही उम्मीद वाली खबर जीविका दीदियों द्वारा लगाई एलईडी बल्ब फैक्ट्री की, आखिर में टर्की के हाथ लगा बड़ा खजाना, इर्दवान ने कहा बदल जाएगी देश की पूरी तस्वीर। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों की अंतर जिला तबादले की गाइडलाइन जल्द बनेगी। सुशांत के पिता के सिंह ने खुद को सुशांत का कानूनी वारिस घोषित किया। स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट जारी, लगातार चौथी बार इंदौर बना नंबर वन। धोनी के अंदाज पर मोदी भी फिदा, प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर कहा आपके रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीय निराश हैं। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का राज्य की जनता को तोहफा दिया है। उन्होंने 747 पुलों और 59,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। सीएम ने कहा है कि हमारा लक्ष्य सभी गांव और टोलों को पक्की सड़क से जोड़ना है। उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले बिहार के गांव में ना के बराबर सड़क थी। आज कुछ लोग जो मन में आता है बोलते रहते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय गुरुवार को जदयू में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर राय ने बिना नाम लिए तेज प्रताप यादव पर जमकर हमला किया। वहीं उन्होंने कहा है कि राजद अब गरीबों की पार्टी नहीं रह गई है, धनी और कारोबारियों की पार्टी हो गई है। टिकट भी अब इसी आधार पर बांटे जाते हैं। इस मौके पर राजद के दो विधायक फराज फातमी और जयवर्धन यादव ने भी जदयू की सदस्यता ले ली। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गुरुवार को आखिरकार महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पार्टी प्रवक्ता दिनेश रिजवान ने बताया है कि एनडीए में जाने पर फैसला जल्द लिया जाएगा। बिहार में जीविका दीदियों ने अब एलईडी बल्ब बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित की है। सरकार ने इस फैक्ट्री के लिए गया में डोभी में 18,000 वर्ग फुट जमीन और भवन भी दे दिए हैं। अगले महीने से यहां 9 वाट के एलईडी बल्ब का उत्पादन शुरू होगा। खास बात यह है कि बल्ब की कीमत 60 रुपए है और 3 साल की वारंटी दी जाएगी। राज्य के सरकारी स्कूल के कार्यरत 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नई सर्वेक्षण को मंजूरी मिलने के बाद अब उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ भी जल्द ही मिलेगा। खास तौर से दिव्यांगों व महिलाओं से जल्द ही अंतर नियोजित इकाइयों में स्थानांतरण को लेकर आवेदन इस माह के अंत तक मांगे जाने की आसार है। इसके लिए जल्द गाइडलाइन बनेगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने कहा है कि वे ही उनके बेटे के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि सुशांत ने अपने जीवन में जिन वकील, चार्टर अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स की सेवाएं ले रखी थी वे अब खत्म होती है। वे सुशांत के बारे में कुछ भी बताने के अधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सुशांत के परिवार में केवल मैं और उनकी बहनें ही शामिल हैं। सुशांत मामले में बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी ने कहा है कि न्याय का रास्ता कठिन होता है, लेकिन न्यायोचित तरीके से न्याय पाया जा सकता है और अगर न्याय ही आपका लक्ष्य है तो रास्ता न्यायोचित ही होना चाहिए। विनय तिवारी वही अधिकारी हैं जिन्हें केस के जांच के लिए मुंबई भेजा गया था, फिर उन्हें वहां क्वारंटाइन कर दिया गया था। कोरोना महामारी और उनके कारण किए गए लॉकडाउन की वजह से बच्चों की बाधित हुई पढ़ाई को लेकर अब बिहार बोर्ड ने भी सिलेबस को कम करने के लिए अपना प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है। सरकार के पास भेजे गए इस प्रस्ताव पर फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी प्रस्ताव को एनसीईआरटी और दूसरे शिक्षाविदों के पास अध्ययन के लिए भेजा गया है। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु की पूर्वी लेन पर अब गाड़ियों का परिचालन नहीं होगा। दरअसल महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन की मरम्मति शुरू होनी है, इसलिए 20 अगस्त से पूर्वी लेन पर वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं नर्म नियमित पश्चिमी लेन पर वाहनों का 24 घंटे परिचालन जारी रहेगा। राज्य के एनएचएम कर्मियों ने 23 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ ने कहा है कि वर्षों से एनएचएम कर्मियों के साथ राज्य सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और झूठा आश्वासन दे रही है।
दरअसल एनएचएम कर्मियों की मुख्य रूप से 6 सूत्री मांग है जिन्हें ये पूरा करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य भर में करीब 20,000 एनएमएच कर्मी हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। केंद्र शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया है। लगातार 4th साल इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना रहा। दूसरे नंबर पे गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है। वहीं पटना जिले ने भी स्वच्छता में अपना स्थान बनाया है। अच्छी खबर ये है कि पूर्वी भारत में पटना का 47वां रैंक है जबकि देश भर में 105वां रैंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के फैसले पर इमोशनल चिट्ठी लिखी है। मोदी ने लिखा है कि आपने अपने खास अंदाज में जो वीडियो शेयर किया था वो पूरे देश के लिए चर्चा का टॉपिक बन गया। आपने रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीयों को निराश हुई, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए आपने जो किया उसके लिए सभी शुक्रगुजार भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पे गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने अपने पिता की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजीव गांधी एक गजब के दृष्टा और अपने वक्त से बहुत आगे के व्यक्ति थे, लेकिन इन सबसे बड़े एक उदार और प्रेम से ओतप्रोत इंसान थे। भारत के बाद ताइवान ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कई चीनी ऐप्स को अपने देश में बैन कर दिया है। ताइवान के अधिकारियों ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म IQIYE और टेंसेंट के परिचालन को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। टर्की को कला सागर में ऊर्जा का बड़ा भंडार हाथ लगा है। यह भंडार संभवतः प्राकृतिक गैस का है। टर्की के गैस भंडार के खोज अभियान में जुड़े दो लोगों ने यह जानकारी ब्लूमबर्ग को दे दी है। टर्की के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को देशवासियों को खुशखबरी देने का वादा किया है। टर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस खुशखबरी से देश के एक नए युग की शुरुआत होगी। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।